हेलो गाइस, वेलकम टू एसएसपी प्लेटफॉर्म। मेरा नाम है अभिषेक, आपकी केमिस्ट्री का टीचर, आप सबका मेंटोर। सर, जुलाई के मंथ में हमारे मिड टर्म्स आने वाले हैं, तो किस तरीके से हमें तैयारी करनी चाहिए, तो थोड़ी हेल्प कीजिए। ये क्वेश्चन काफ़ी बच्चों का रहता है, और कुछ बच्चे मेरे ऐसे भी हैं थोड़े से शरारती है, जो कि इन मिड टर्म्स को थोड़ा इग्नोर करेंगे और कहेंगे कि बोर्ड के एग्जाम में सर जब ये नंबर जुड़ते ही नहीं है तो मैं क्यों पढ़ाई करूँ। तो उन सब बच्चों के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है, तो ये वीडियो को जरूर सब बच्चों तक शेयर कीजिएगा जो भी क्लास 12th बोर्ड्स की तैयारी कर रहा है, भले वो सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कर रहा है या किसी भी स्टेट बोर्ड की तैयारी कर रहा है। क्योंकि इस वीडियो में कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ जो कि आप अगर फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गोइंग टू सक्सीड इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज इन योर मिड टर्म एग्जाम। पहली बात तो यह कि मिड टर्म एग्जाम क्यों इंपॉर्टेंट है, तो उसका जवाब ये सुन लो बच्चों कि मिड टर्म एग्जाम आपका पहला हर्डल है, जबकि मेरी फाइनल रेस क्या है, बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम होने वाला है अपना फरवरी मंथ में, तो देखा जाए तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक आपके पास जुलाई अगस्त सेप्टेंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 मंथ्स आपके पास बचे हैं, क्योंकि जनवरी में आपके प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे, आपके प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो वहां पर अपन बिजी हो जाएंगे, तो वहां टाइम कट डाउन होगा। तो ये 6 मंथ्स आपके लिए बहुत क्रूशियल है, इसको अच्छे से तैयारी करना है, यूटिलाइज करना है और फिर आगे बढ़ना है। तो मिड टर्म्स में जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस क्वेश्चन को आप कैसे अप्रोच कर रहे हो, उन टॉपिक्स में से क्या क्या चीजें मेरे को नहीं आती समझ में, उसको दोबारा रिवाइज करना, एक लिस्ट बनानी है, इसलिए ये मिड टर्म के एग्जाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब केमिस्ट्री की बात करूं अगर स्पेसिफिकली, तो केमिस्ट्री के अंदर आपके मिड टर्म्स में फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में हो सकता है एक एक टॉपिक आए। तो सर, फिजिकल तो आपने फ्री कर दिया बिल्कुल, जैसे आपका पहला यूनिट जो है सॉल्यूशन वो हो चुका है, दूसरा आपका जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो हो चुका है, तीसरा आपका जो केमिकल काइनेटिक्स है वो भी हो चुका है, ये आपकी कंप्लीट हो चुकी है क्या फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, अगर अपन बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, बात अपन ऑर्गेनिक की बात करें, तो ऑर्गेनिक में मैंने आपको हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स भी करा दिया है। ठीक है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स आपका डन है। ठीक है बच्चों, तो ये नोट कर लेना, ये कुछ इंपॉर्टेंट थे, ये मैंने करा चुका हूँ। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, तो मैं बता देता हूँ इस चैनल का नाम है एसएसपी, इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस पे आपके अभिषेक सर केमिस्ट्री का कोशिश करते हैं लाइन बाय लाइन आपको समझाने की, बिल्कुल बेसिक से, जैसे कि मुझे कुछ भी नहीं आता, हो सकता है थोड़ा टाइम टेकिंग हो, बट लेकिन डेफिनेटली यू विल गोइंग टू सक्सीड, क्योंकि अभी अपने पास टाइम है तो वो टाइम अपन दे सकते हैं। आने वाले टाइम में जब मैं वन शॉट वीडियो कराऊंगा, एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक कवर, एक एक पूरा यूनिट कवर कराऊंगा, उसमें भी मैं आपको हर एक टॉपिक कराऊंगा, बट उसकी स्पीड तेज रहेगी। इन इन वीडियोस की ब्यूटीफुल या इसकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है, अभी मेरे पास टाइम है, मैं भी फ्री हूँ, आप भी फ्री हैं, और अभी अपने पास टाइम है, तो अपन अच्छे से किसी पर्टिकुलर टॉपिक को टाइम डिवोट कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। सिर्फ रटना या नंबर लाना ही अपना गोल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे जाके आप में से कुछ बच्चे IIT करना चाहते हैं, नीट करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियोस बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो ये सारे वीडियो मिलेंगे कहाँ, तो ये दबंग प्लेलिस्ट है आपकी SSP चैनल पे, तो दबंग प्लेलिस्ट आप जाएंगे तो दबंग प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे मेरे। ठीक है, ये कंप्लीट वीडियो है मेरा दबंग प्लेलिस्ट के अंदर, हर एक टॉपिक का, अभी तक जो मैंने 4 यूनिट करा दिया उसके टॉपिक वाइज बाइफरकेशन है, आप गो थ्रू कीजिए इसको और देखिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा इस वीडियोस की इंपॉर्टेंस, कि सर इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीज आपको पढ़नी चाहिए, कैसे कैसे क्वेश्चन को आपको अप्रोच करना चाहिए, और बोर्ड्स और जो जो मेरे को ऐसा लगता है ना आएगा, उसमें मैंने बोर्ड 2024 ऑलरेडी लिख रखा है, तो आपके लिए ऑलरेडी इन वीडियोस में सब चीजें इंपॉर्टेंट है ही है। ठीक है, तो इसको जरूर देखिएगा, इन वीडियोस से आपको जरूर हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो अब बात करें कि अगर सर मिड टर्म में मुझे क्या क्या चीज पढ़नी चाहिए, कहां से पढ़ना चाहिए, तो पहला बात तो ये होगी कि आपको एनसीईआरटी के टॉपिक रीड कर लो, एनसीईआरटी में जाओ, एनसीईआरटी में टॉपिक देखो, जैसे सोल्यूशन गए, सोल्यूशन टॉपिक देगा, सोल्यूशन में देगा हेनरीज लॉ है, सॉल्युबिलिटी है और वेंट ऑफ फैक्टर है, फिर वो जाओ अपन दबंग प्लेलिस्ट में जाके देख लो, एक एक चीज़, एक एक लाइन, क्वेश्चन भी साथ के साथ सॉल्व करा रखे हैं, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में आपके न्यूमेरिकल या न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए फिजिकल केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, तो न्यूमेरिकल आएगा फिजिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, और अगर अपन बात करें किसकी, अगर अपन बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, फॉर एग्जांपल हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, तो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स या कोई भी ऑर्गेनिक का अगर आप टॉपिक करोगे, तो उसमें आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है बच्चों, नेम रिएक्शन, याद रखना नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, भले वो प्रिपरेशन पार्ट में आए या रिएक्शन पार्ट में आए, फिर बता रहा हूँ। और इस पूरे टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट जिसपे क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक बोलूँ, इसी पूरे यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बोलूँ, तो वो है SN1 एंड SN2। ठीक है, आप किसी भी स्कूल में हो, कोई भी आपका टीचर हो जो आपको केमिस्ट्री पढ़ाता है, इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछेगा, SN1 और SN2, तो उसका वीडियो मैंने बना रखा है, आप जाके देखो, बहुत अच्छे से कोशिश की है एक्सप्लेन करने की, अच्छा जरूर लगेगा आपको।
तो इस पर देखना है इस वीडियो को, ठीक है। तो क्या करना है सर, एनसीईआरटी से न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है, सोल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स की, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में नेम रिएक्शन पे खासकर फोकस रखना है, और कुछ क्वेश्चन आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होता है, सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर कैसी होती है, पोलर सॉल्वेंट में क्या होता है, सब बातें बता रखी है। आप वीडियो में जाके चेक कर लो, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में करा रखा है। SN1 SN2 रिएक्शन ज़रूर पढ़ के जाना, ये मिड टर्म में आने की ज़रूरत है, इसकी आने की बहुत बहुत संभावना है। अब आपके सवाल की बात करता हूँ, कुछ बच्चे जो हैं वो कमेंट सेक्शन में एक सवाल मुझसे पूछ रहे थे कि सर 15 जुलाई को हमारा मिड टर्म का एग्जाम है और उसमें अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर आने वाला है, तो सर आप वो करा देंगे क्या, प्लीज़ रिप्लाई। तो आंसर है यस, अभी इस ट्यूसडे से, अपकमिंग ट्यूसडे से आपका स्टार्ट होने वाला है अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर। क्या स्टार्ट होने वाला है बच्चों, अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, तो वो मैं स्टार्ट करा दूंगा इस अपकमिंग ट्यूजडे से। तो मोस्ट प्रोबेबली 3 से 4 लेक्चर लगेंगे, तो 10-11 जुलाई तक ये कंप्लीट करा दूंगा, तो नो नीड टू वरी, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा बच्चों। और एक और इंपॉर्टेंट बात आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ, अभी एक महीने के लगभग अपना हो चुका है, 4 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, आने वाले एक महीने में भी यही 4 यूनिट में और आने वाली 4 यूनिट करा दूंगा, मतलब 1 अगस्त तक मेरा ये टारगेट है कि आपके 80% आपका सिलेबस हो जाए। फिर 15 से 20 अगस्त तक वाइंड अप करेंगे पूरा दबंग सीरीज को, उसके बाद क्या आने वाला है सर, एनसीईआरटी सॉल्विंग सीरीज, एनसीईआरटी का हर एक इंडेक्स और एक्सरसाइज क्वेश्चन लाइन बाय लाइन में आपको सॉल्व कराऊंगा, इसी प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहिएगा। उसके बाद एक और मैं सोच रहा हूं कि अपकमिंग संडे से एक क्यू सीरीज लेके आने वाला हूं आप बच्चों के लिए, क्वेश्चन सीरीज, ठीक है, क्यू सीरीज लेके आने वाला हूं इस संडे से, संडे को मैं लाइव पढ़ाऊंगा आप बच्चों को, लाइव, ये लाइव रहेगा, कोशिश रहेगा मैक्सिमम की लाइव रहे, जिसमें कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक्स पे क्या क्या सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चन पूछता है, वो सीबीएसई का पीवाईक्यूज, फिर उस पर्टिकुलर टॉपिक पे क्या क्या ट्विस्टेड क्वेश्चन आते हैं जो कि बच्चों को हैरान परेशान करते हैं, वो क्वेश्चन भी अपन यहीं पर डिस्कस करेंगे, जैसे आप लोग हार्ड कहते हैं उस हार्ड क्वेश्चन को कैसे इजी तरीके से सॉल्व किया जाता है, वो इस क्यू सीरीज में अपन कवर करेंगे। तो क्वेश्चन सीरीज लेके आऊंगा हर संडे को, क्योंकि संडे को मेरे पास भी टाइम रहता है बच्चों, तो संडे को कोशिश करेंगे। तो आप लोग जरूर, अगर आपको आप रेडी हैं, आप इंटरेस्टेड है इस क्वेश्चन सीरीज के अंदर, तो जरूर कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिएगा हाँ सर वी आर रेडी फॉर क्यू सीरीज। तो जितने ज्यादा बच्चे कनेक्ट होंगे, लाइव रहेंगे, उतना मजा आएगा कि जो भी पर्टिकुलर टॉपिक मैं कवर कराऊंगा उस वीक, उस संडे को उस टॉपिक के क्वेश्चंस की अपन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। भले ही वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, ट्विस्टेड क्वेश्चन हो, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो, वो सब अपन ट्राई करेंगे, ठीक है। एक और चीज़ है जो आप बच्चों से शेयर करना चाहता हूँ कि जो बच्चे IIT और नीट की तैयारी कर रहे हैं और उनकी 11th के कुछ टॉपिक्स वीक हैं, या आप में से कुछ 12th क्लास में जो बच्चे हैं आपकी 11th क्लास के कुछ टॉपिक वीक है, तो आपके लिए मैंने एक चैनल डेडिकेटेडली आपके लिए बना रखा है, CBSE क्लस्टर बाय अभिषेक सर। तो इस चैनल पर मैंने क्या किया है, बिल्कुल बेसिक से जो चीज़ ऐसी है जो बच्चे भूल जाते हैं या रट लेते हैं और वो काम आती है आगे क्लास 12th में, नीट में और JEE में, उसके लिए मैंने ये चैनल बनाया है। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि मिड टर्म्स की प्रिपरेशन कितनी इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बताई दी है, क्योंकि ये फर्स्ट हर्डल है, इसको अच्छे से क्लियर करना है फिर आगे बढ़ना है। जो भी कमियां आएगी बिल्कुल आने दो, है ना, पॉजिटिव रहना है, बिल्कुल ऑनेस्ट रहना है, चीटिंग नहीं करनी है। ठीक है सर मेरे को 2 यूनिट ही आती थी तो मेरे इतने ही नंबर आ पाए, कोई बात नहीं, वेरी गुड, पर उन 2 यूनिट में बिल्कुल अच्छे से मार्क्स आने चाहिए आपके, इसलिए आपके ये मिड टर्म्स फ्रेम किए जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो मिड टर्म्स को सीरियसली देना है, किस तरीके से अप्रोच करना है मैंने आपको बता दिया है। फिर भी कोई दिक्कत आएगी तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा, ऐसे और वीडियो लेते आऊँगा। ट्यूजडे को अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।